में कैसे बदलेंगे? एक्टिवा से पैसिवा में बदलना होगा, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसमें क्या लगा देंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, ठीक है, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, और नॉट आ जाएगा तो इज एम आर के बाद नॉट लगा के फिर थर्ड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो उसमें सेकेंड फॉर्म लगता है, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो उसमें वाज वर्ब लगा के थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और अगर वो नॉट है तो वाज वर्ब के बाद नॉट लगा के तब थर्ड फॉर्म लिख देंगे। कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब में आई एन जी लगा होगा, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब रहेगा इज एम आर वाज वर्ब उसके बाद बी का आई एन जी रूप लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। परफेक्ट में, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड उसको लिखने के बाद बी का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और मॉडल्स आएंगे विल शैल कैन कुड मे माइट, तो मॉडल्स को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, फिर वर्ब का बी का बेस फॉर्म लिखते हैं, यानी कि बी, यानी कि मॉडल्स लिखने के बाद ज्यों का त्यों फिर बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख देंगे। और पैसिव वॉइस जब बनाना होगा तो ये बात दिमाग में रख लीजिएगा कि पैसिव वॉइस क्या होता है, बी का रूप प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल सी डज नॉट लाइक हिम, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लिए ही, और डज नॉट मतलब यहाँ पे देखिए डू नॉट डज नॉट आएगा तो इज एम आर लगा देते हैं, तो इज एम आर में से ही के साथ इज लगता है, और नॉट लगा है तो नॉट लगा दिए, इज के बाद क्या आ गया नॉट, और फिर लाइक का थर्ड फॉर्म लाइट, और सी को किस में बदल देंगे बाई हर में। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस।